بسم الله الرحمن الرحيم मेरा आयदा भी लोग वेखने वाले सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां, वो कलमां ना रहियां, दुआतां ना रहियां। मैं अपने बच्चियां बच्चियां नू उन्हां दे मां प्यो नाल मुखातब हां। साडा जिहड़ा दौर सी ना, उस दौर दे विच सोशल मीडिया का कोई चक्कर नहीं सी आंदा, कोई शोर नहीं सी आंदा। जिहड़ियां चीज़ां अज दे दौर च ने ना, साडे दौर च चीज़ां ने। मगर वो दौर भी ऐसा सी कि 10 साल तो लैके 18 साल की उम्र तक बच्चियां बच्चियां दी अगर सही गाइड ना किया जाए उदों भी मसायल पैदा होंदे सी। अज तक खैर बहुत ज़्यादा मसायल पैदा होंदे ना, उहदी वजह है कि हुण सोशल मीडिया का दौर है, हर एक दे हाथ च टच मोबाइल है। यूट्यूब ने इन्नी क आजादी दे दी और जिंदा को अंत शुमार ही नहीं। जरा असी 100 साल के बाद एक सदी, तो असी 19 सदी भी वेखी, तो हम 20वीं सदी च भी चल रहे। वो दौर होर सी, अज का दौर होर है। साडे दौर च कलम दुआ का दौर सी, हुण टच मोबाइल का दौर है। 10 साल तो लैके 18 साल की उम्र जी ना, ये जवानी जवानी होंगी, जवानी आती और जवानी जोश भी होता बच्चों का। बच्चों का वो उन्होंने एहसास पैदा जिस वे होता है, बच्चों के जो मैसेज शुरू होते हैं, तो बच्चों के जो जवानी के जो रात 12 बजे तो बाद स्टैंड होता, पेनल स्टैंड डंडे स्टैंड होंगी रात 12 बजे। वो वक्त ऐसा खतरनाक वक्त होता है, बच्चों वास्ते भी, बच्चों वास्ते भी एक नवी चीज़ होती। साडे मुसलमान होंगे सीहत नाल, पुराने दौर के लोगों ने आते सीहत नाल। माँ बाप को इन्ना टाइम ही नहीं होता कि वह बच्चों वास्ते टाइम कढ़न, या बच्चा बच्चों जिहड़ा एहसास पैदा होता है इस वक्त के 10 तो 18 साल की उम्र के, वो फिर अपना अमराद लभद ने कोई जिन्हें नाल दुख सुख फोलन, जिन्हें अपनी जिसमानी तब्दीली का दसन की होंगे। फिर उस माँ प्यो इस तो बेखबर होंगे ने इस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ की परवाह ही नहीं होंगी। वो अपने कमां काराज मसरूफ ने, शर्म इन्नी है कि माँ प्यो न बच्चे दसते नहीं, उनका नतीजा की निकलता। वो जी कु बच्चिया जन आप तो सीनियर बच्चिया गल कर दें, बड़िया उन्होंने अपने दिल का हाल दस दें। बच्चे आ सीनियर वड्डिया गल कर दे, अपने दिल का हाल उन्होंने बच्चों दस दें। इतने आके खराबी शुरू होती, ये वो खराबी का वक्त होता। इस अज के दौर सीनियर ने गल करने की जरूरत नहीं रही। सोशल मीडिया गंदिया फिल्म, फोर्स फिल्म, हर चीज़ 8-9 साल का बच्चा वेखता, उनके नाल ऐटोमैटिक रिकावते सुबह जल्दी लमस बड़ा चंगा लगता, कपड़े की रगड़ बड़ी चंगी लगती। उस तो फोर्स फिल्म वेखनियाँ, गंदियाँ फिल्म वेखने, स्टैंड होंदा स्टैंड होंदा, मगर रिकावते इन्नी हो जाती कि वो डेली रिचार्ज रात होना शुरू हो जाता, कपड़े खराब होने लग गए। माँ प्यो फिर भी ध्यान नहीं कर, बच्चा बालक हो जाता डिस्चार्ज, वो समझता मैं बीमार हो गया। वो साढ़े गेम जरियान इस्लाम का नाम दे के अपने इश्तहारी में भी शुरू कर देंगे, और सादा लोग बच्चे जड़े उन्होंने जान च फस जाते। पहले डॉक्टर नहीं से करते, डॉक्टर भी इस बात लग पा, क्योंकि कमाई का जरिया उन्होंने बड़ा व्डा कमाई का जरिया बन गया। हालांकि गल इंदे च कोई नहीं होंदी, फर्क सिर्फ यह है कि इस्लाह की जरूरत है। साडे वक्त जी पता ही की होंदा सी, साडे बजुर्ग कहंदे होंदे 100 चाचा ते इक प्यो, ते 100 दवाई ते इक घ्यो। ये देसी घ्यो दे विच इन्नी ताकत होंदी सी, फर्क सिर्फ इन्ना सी कि असीं उदों कम करदे सां। घ्योआले रोटी खांदे आ, लस्सी पीने आ, मक्खन खांदे आ, सारा दिन बच्चे फिरदे आ। कई बूढ़े दे होंदे सी, कदी ही भजे जांदे आ, कदी ही भजे जांदे आ। उदम होंदा सी, ताकत आती सी। हुण की मोटरसाइकिल बगैर बच्चा टुटदा नहीं, पैदल वाक करने रवाज खत्म हो गया, नेचर चीज़ा असं छड़ दित्तियां ने, आर्टिफिशियल चीज़ा टुट पे। उनका सब तो ज़्यादा असर जो है ना अमराज़े मखसूसा जो कहते हैं हज़रत असर ज़कात
मनी का पानी वगैरह पतला होना कीम सानू सबक सिखा दे रहा है। वो जी अंदर दो थैलियां होंदियां ने भर जांदियां ने, जो भर जांदियां ने उदो इतराम होंदा, वो थैलियां खाली हो जांदियां ने फिर भरदियां रहिंदियां, फिर हड्डियां कमजोर हो जांदियां ने। कि हकीकत इहदे उल्टे वजूदा ने दो, वो वजूदा जिहड़ियां ने वो रतुबत उन्नी ही होंदी, वो तुहाडी मनी होंदी, वो तो तुहाडे ते दाड़ मदार है कि तुसीं की करदे हो, उहनूं सही इस्तेमाल करदे कि गलत करदे। सब तो पहले मेरे जिहड़े बच्चे बच्चियां ने ना, उन्हां दी सब तो वड्डी सलाह इह आ कि माँ प्यो नूं अपना अमराद बनाउण। माँ प्यो वास्ते मेरी सलाह है कि अपने बच्चों नूं अपना अमराद बनाओ, उन्हां नूं दसो, माँ बच्ची नूं दसे, बाप बच्चे नूं दसे कि इह दौर तो मैं भी गुजरिया ते इह ऐसा ऐसा होंदा है, ते आप परहेज कर लेने, ते कुछ करना ते अपनी जिंदगी सही हो जाए। इंदे नाल की होएगा कि साढ़े इतने सैक्स की तकलीफ तो हैगी नहीं किसी को, असी तो सुनिया सुनाया गलों के पल बन वाले। जे असी ये कही ना भी एक दौर वो सी और भी सारे भी है, असी 19वीं च सन उदो भी बेलाल हुई सी, 20वीं सदी है और इन च बेलाल हुई नहीं, उदो बेदाल भी छुपके सी, हूँ बेदाल भी छड़िया। उदो मीडिया का दौर नहीं सी, सोशल मीडिया नहीं सी, यूट्यूब नहीं सी, उदो भी बेदाल भी सी, अज भी ना सानू उदो तरीफ दी गई ना अज दी गई। इंशाल्लाह मैं अगले वीलॉग दे विच तुहानू दस दिता ना कि बेदाल भी नूं किस तरह कंट्रोल करना। जरियान इतलाम कोई बीमारी नहीं, मनी एक कुदरती अमल बनने इंसान दे विच, इंदे च सिर्फ अपना जिसम हीटअप नहीं होंदा ना, गर्म नहीं होंदा ना, ठंडियां चीज़ां इस्तेमाल करो, मौसम दे लिहाज नाल मौसमी फल इस्तेमाल करो, देसी खुराकां खाओ, पीज़े बर्गर छड्ड दिओ, फौज फिल्मां ना वेखो, गंदियां फिल्मां ना वेखो, सिर्फ एक चीज़ सामने रखो कि रात को सड़की तो 12 बजे तो सड़की तक वो टाइम है जदों वदूदा एक्टिव होंदियां ने, हारमोन जिहड़ा सैक्स पैदा करता वह वाधू बनता, तो वाधू बनता उस टाइम टू होंदा इस तरह होंदा, वो टाइम है तुसीं वेखो शक्ति किन्नी है तुहाडे, शक्ति सही है तो अपने आप नूं बीमार ना समझो, तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक जे शादी के काबिल जे, माँ प्यो तुहाडा शादी करना चाहना तो शादी तो खौफजदा ना हो, शादी करो। सिर्फ की करना है ठंडिया चीज़ा इस्तेमाल करनिया, धुक मलंगा वो पी लो, अपना फारसे का जूस पीओ, दुआरे का जूस पीओ, खरबूजे का जूस पीओ, कद्दू का जूस पीओ, ये मैं अगर पी लो किसी ने उन्होंने पीओ, बीमारी उस वेले स्टैंड हो गया बगैर डिस्चार्ज तो, बगैर यूरन तो, बगैर पेशाब तो, छोटा पेशाब करन तो, अगर ये बह जाता है होशियारी खत्म हो जाती है, कि इसका मतलब तुहाडियां नसां किते ना किते अथलसी की वजह तो या किसी वजह तो वो मसला पैदा हो गया, वो जिहड़ा मसला पैदा हो गया वो भी तुहाडी खुराकां खाण नाल ठीक हो जाएगा, को लम्बे चौड़े कुश्ते नहीं खाने पैने, लम्बिया चौड़िया दवाइया नहीं इस्तेमाल करनिया पैनिया। ये मेरा सैकंड है, अगला थर्ड मैं अगले वीलॉग जो तुम दसागा कि खुराक जड़िया ना तुहाडे पासे बेहतर ने, उन्होंने तो शुरू कर, पहले 10 से 18 साल की उम्र तक करा दसागा, फिर 18 से 25-30 का उस तो बाद फिर अगले स्टैप से। मैं आपकी उम्र के बाबे वाले कहाँगा भी तुम कभी जवान हो सकते, मेरी सिर्फ तुहाडे नाल एक दरखास्त है, सिर्फ एक दरखास्त, अपना अपने जो घर अपने आंढ गुआ, जे वो भी कोई गरीब है ना इस दौर चो कि जिन्हें भी मदद कर सकते करो, और इस तरीके का करो कि दूजे हाथ में पता ना लगे। अल्लाह इजाज तुहानू मैनू सारे अपने समान च रखे,
अगली वीलॉग दे विच मैं इंशाल्लाह दसांगा। 10 सालों तो लैके 18 साल की उम्र तक बच्चों ने की करना है ते किवें अपने आप नूं फिट रखांगे ते किवें उन्हें सेहत सही रहेगी। ये खाली मुसलमान वास्ते नहीं, बे मुसलमान वास्ते गैर मुसलमान सारे वास्ते वो मैं दसा उन्दे ते अमल करो, इंशाल्लाह दवाइयां तो भी बचोगे और अपने आप नूं फिट फाट रखोगे और तुहाडे लई कोई मसला पैदा नहीं होगा। क्योंकि मैं 19वीं सदी दे पिछला दौर ही वेख्या ते नवां दौर चों चलदा पिया ये भी वेख्या। अल्लाह तालो मैं सारे अपने सिलवान। अच्छा।